हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम काउंट द नंबर ऑफ लीफ नोड्स ऑन अ बाइनरी ट्री। तो पहले हम समझते हैं लीफ नोड होती क्या है। लीफ नोड, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम ट्री छोटा सा ट्री ले लेते हैं 1 2 3। तो ऐसे नोड्स जिनका लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है नल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नोड्स हमारे पास, 2 और 3, दो नोड हैं। तो हमारा इस ट्री का आउटपुट जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। एक थोड़ा बड़ा ट्री लेके समझते हैं, ये है 1 2 3 और 4, इसको ले लो 5। तो इस केस में, यहाँ पे एक और, इस केस में कौन कौन से नोड हैं जिनका लेफ्ट और राइट वैल्यू नल है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल है, सॉरी। तो हमें मिलेगा 6 और 4, ठीक है। तो ये हमारे केस 5 6 और 4, तो ये हमारे केस में हो जाएंगे, ये लीफ नोड्स हो जाएंगे। अब इसको करने के लिए हम जो अप्रोच यहाँ करेंगे वो होगा रिकर्जन। रिकर्जन से कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, रिकर्जन की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं। जैसे रूट का हमें पॉइंटर गिवन होता है। अब हमारे प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें लीफ नोड्स बताने हैं। तो ऐसे इमेजिन कर लेंगे हम रिकर्जन की प्रॉब्लम को। हम बोलेंगे रिकर्जन से कि तुम राइट वाले सब ट्री में और लेफ्ट वाले सब ट्री में तुम बता दो लीफ नोड्स कितने हैं। मतलब वो रिकर्जन क्या करेगा, लीफ नोड ऑन इन द राइट बता देगा और लेफ्ट बता देगा। हम सिंपली रिकर्जन को लेफ्ट पॉइंटर पास कर देंगे और राइट पॉइंटर पास कर देंगे। अब हमारे पास जब रिकर्जन आंसर देगा, तो इधर से मान लेते हैं, लेट्स से एक्स एक्स नोड्स आए राइट में और वाई नोड्स आए लेफ्ट, एक्स नोड्स आए, एक्स लीफ नोड्स आए लेफ्ट साइड में और वाई नोड लीफ नोड्स आए राइट साइड में। तो हम इनको सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे और ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। एक बार ही समझते हैं एग्जाम्पल से कि जैसे अगर हाँ, ये वाला छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें लीफ नोड कौन कौन से हैं, 5 और 4। अब देखते हैं रिकर्जन से कैसे ये प्रोग्राम चलेगा। पहले हमारे पास रूट का पॉइंटर दिया होगा, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या खुद हमें नल पॉइंटर पास किया गया है कि नहीं। मतलब अगर नल है, हमें नल पास किया गया किसी ने, तो उसका आंसर सिंपली हमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, रिटर्न 0 कर देना है। तो अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिकर्जन से तुम लेफ्ट वाले सब ट्री में लीफ काउंट करके आओ और राइट वाले सब ट्री में लीफ काउंट करके आओ। तो इसमें मान लो लीफ रिकर्जन क्या करेगा, अब इस सब प्रॉब्लम को ऐसे देखेगा छोटे वाले को। तो अब हमारे पास यहाँ रिकर्जन कॉल होगा इस पे, तो 2 से पूछेगा क्या 2 लीफ है और लीफ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 का लेफ्ट और राइट दोनों नल होना चाहिए। क्या 2 का लेफ्ट राइट नल है, नहीं, तो 2 लीफ नहीं होगा, तो अगले वाले पे कॉल होगा, ठीक है। हाँ, 5 का लेफ्ट और राइट नल है, तो 5 यहाँ से क्या करेगा, हाँ मैं लीफ हूँ बताएगा। तो ये 2 के सबट्री में एक लीफ आया, ओके 5, और ये सिंपली 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, लेफ्ट वाले सबट्री ने रिकर्जन को 1 दिया। अब राइट वाले सबट्री पे कॉल होगा, 3 क्या लीफ है, चेक होगी कंडीशन, क्या 3 का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, नहीं है, तो वो अपने लेफ्ट साइड कॉल करेगा। और 4 का लेफ्ट और राइट नल है, तो ये क्या करेगा, हाँ मैं लीफ हूँ, ये वापस 1 रिटर्न करेगा और इसको ये 1 रिटर्न करेगा। तो दोनों साइड से देखो 1 1 आया, और जो टोटल आंसर होगा हमारा 1 प्लस 1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल लीफ आ जाएगी 2। अब इसको कोड करते हैं, कोड करने के लिए सिंपल, एक सेकेंड तो एडिट कर देते हैं। हाँ, कोड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे कि अगर हमें नल कोई पास कर रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, सिंपली रूट इक्वल्स रूट की वैल्यू अगर हमें नल कोई पास कर रहा है तो सिंपली रिटर्न कर देना है 0, ओके, रिटर्न 0 कर देना है। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, रिकर्जन से बोलना है कि तुम मेरे लिए पहले, हाँ रिकर्जन से बोलना है कि तुम मेरे लिए लेफ्ट वाले सबट्री में लीफ काउंट करके बता दो और राइट वाले सबट्री में लीफ काउंट करके बता दो। और लीफ होने की कंडीशन क्या है, लीफ होने की कंडीशन है कि अगर रूट का लेफ्ट इक्वल इक्वल नल आ जाए एंड रूट उस पर्टिकुलर नोड का राइट भी नल आ जाए, तो ये हमारा रूट हो जाएगा, सॉरी लीफ हो जाएगा। इस केस में सिंपली रिकर्जन क्या करेगा, हाँ मैं लीफ हूँ और ऐसा नहीं है, तुम बोल दो रिकर्जन से कि तुम मेरे लिए लेफ्ट वाली सब ट्री में काउंट करके बता दो कितने कितने लीफ नोड हैं, और मैं उनको बस राइट वाली सब ट्री के लीफ नोड से ऐड करके अपना आंसर
रिटर्न कर दूंगा। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, आई होप वर्क करना चाहिए। सबमिट करते हैं। हो गया, होपफुली वर्क कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर हमारे पास क्या था कि हमने क्या कहा था कि जैसे मेरे पास 1, 2 और 3 ये ट्री मान लो पास की गई है, तो पहली कंडीशन है क्या, देखिए हमें नल ट्री पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट 1 नोड का लेफ्ट नल है, नहीं नल है, तो तुम ये वाली कंडीशन में नहीं है। तो हम अब एल्स एल्स वाली कंडीशन में आएंगे, चेक करेंगे कि वापस से ये वाला सब ट्री पास होगा रिकर्जन को एज अ अलग पूरा ये सब ट्री सॉल्व होगा इसके लिए, ठीक। अब उसके बाद से इस वाले के लिए अलग पास होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, तो एक अलग सब ट्री की तरह जाएंगे ये दोनों, ठीक है। अब 2 का चेक होगा क्या 2 नल है, नहीं, दोबारा से हाँ 2 का लेफ्ट और राइट अब नल हो गया, तो 2 क्या यहाँ से रिटर्न करेगा 1। और सिमिलरली हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिली 1, अब इसके इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 3 क्या रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 1 + 1, आउटपुट आ गया 2। तो इसके इस तरह हमारा रिकर्जन वर्क कर रहा है। आई होप सोल्यूशन समझ में आएगा। सो इफ़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।